हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पनीर जलफ्रेजी बनाना बता रही हूँ। पनीर जलफ्रेजी के लिए हमने पनीर, एक पाव पनीर लिया है, उसे ऐसे लंबे स्लाइसेस काट लिए हैं, दो सूखी लाल मिर्च ली है, दो मीडियम साइज के शिमला मिर्च को उसे भी हमने बारीक ऐसे लंबे स्लाइसेस में काट लिए हैं, और एक हाफ नींबू लिया है, एक प्याज को बारीक काट लिया है, एक बड़े टमाटर को उसे भी बारीक काट लिया है। हमने एक बड़ी प्याज को ऐसे स्लाइस में काटा है और टमाटर को भी ऐसे स्लाइस में काट लिया है, दो हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, अदरक की कुछ बारीक बारीक स्लाइस काटे हैं, हल्दी लिया है हाफ छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर हाफ छोटी चम्मच, जीरा हाफ छोटी चम्मच, नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार, दो छोटे चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच, मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच, केचप लिया है हमने दो छोटे चम्मच। हमने बारीक प्याज और टमाटर जो काट के रखा है इसे हम मसाले के इस्तेमाल में करेंगे, और ये जो हमने स्लाइस के तौर पे काट के रखा है इसे हम बाद में यूज करेंगे। पनीर जलफ्रेजी के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देते हैं, हम उसमें खड़ा जीरा डाल देते हैं, अब हम उसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, प्याज को हम हल्का लाल करेंगे, हल्के से प्याज को लाल करने के बाद उसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट डाल देते हैं, उसमें बारीक कटे हुए टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा नमक हम बाद में डालेंगे जब पनीर डालेंगे, और अच्छे से मसाले को भून लेते हैं तेल छोड़ने तक। मसाला अच्छे से भून चुका है, मसाले ने पूरा तेल छोड़ दिया है, अब हम इस मसाले को एक बाउल या प्लेट में निकाल लेते हैं, इसी कढ़ाई में हम पनीर जलफ्रेजी को फिनिश करेंगे, इसे निकाल लें। इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं, तेल गर्म हो गया, उसमें हम खड़ा जीरा डाल देंगे, खड़ी लाल मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, इसमें हमें स्लाइस प्याज डाल देते हैं, फिर चलाएंगे। प्याज को हमने एक मिनट तक अच्छे से पका लिया है, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल दें, और ये हमने स्लाइस में जो टमाटर काट के रखे थे इन्हें भी डाल देते हैं, इन्हें हमें हल्का सा ही पकाना है, सौते करना है, इन्हें गलाना नहीं है, शिमला मिर्च भी डाल दें, इन्हें हमें दो मिनट तक पका लेते हैं, दो मिनट सभी को पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे केचप, और ये जो हमने मसाला पहले निकाल के रखा था टमाटर प्याज वाला उसे भी डाल देते हैं, सभी को अच्छे से मिक्स करें, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, पनीर को हम हल्के हाथों से सब मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, गरम मसाला पाउडर, सबको मिला दें, इसे ढककर हम दो मिनट तक पका लेते हैं। पनीर जलफ्रेजी तैयार है, इसमें हम सबसे आखिर में नींबू का जूस डाल देते हैं, और हल्के हाथों से मिलाते हुए इसे हम सर्विंग बाउल पे निकाल लेते हैं। पनीर जलफ्रेजी तैयार है, इसे हमने बाउल पे निकाल दिया, इसे हम मिंट से गार्निशिंग करेंगे, और थोड़ी सी जिंजर, जिंजर जूलियन, पनीर जलफ्रेजी बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी बहुत है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।